चलिए अपने आज एक और नए स्टूडेंट से मिलवाता हूँ। नाम है अमृत पांडे, जिनके ऑल इंडिया 129 रैंक आई है और जिनको अभी एनआईटी वारंगा अलॉट हुआ है। और आई होप कि फर्स्ट राउंड के अपग्रेडेशन से एनआईटी सूरत का अलॉट हो जाए और दोनों ही कॉलेज बहुत अच्छे हैं। तो अमृत, पहले तो आपको 129 रैंक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सब, आप ही सबकी वजह से हुआ है सर। और मैं आपको अमृत के बारे में बताना चाहूंगा एक ब्रीफ, बाकी अमृत अपनी सक्सेस स्टोरी बताएंगे। देखिए, मैं इतने सारे जो सेशन डाल रहा हूँ, हर सेशन की कुछ ना कुछ नई चीजें हैं, हर बच्चे के नए नए एक्सपीरियंस है। जैसे मैं अमृत के बारे में बताऊंगा कि अमृत ने बीई किया हुआ है और 2019 में बीई सिविल से किया, इंफोसिस में जॉब भी लगी, पर लॉन्ग टर्म और आगे रिसर्च में कैरियर बनाना था कंप्यूटर फील्ड में। सोचिए कि बीई करने के बाद 2019 में इनको लगा कि नहीं, अभी इंफोसिस ज्वाइन नहीं करना चाहिए और अच्छे करियर के लिए। इन्होंने पूरे एक साल अपनी पढ़ाई की ये, और इस साल इन्होंने पढ़ाई करके ऑनलाइन स्टूडेंट है हमारे। और एक और खास बात है अमृत के बारे में कि अमृत को मैथ्स से भले ही बीई किया पर बहुत इंटरेस्ट नहीं था, पर दोबारा मैथ्स पढ़नी पड़ी, नए सरी से मैथ्स पढ़ी और देखिए ऑल इंडिया 129 रैंक आई। तो अमृत, मैं चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे आपका काफी क्लियर फोकस था कि मुझे बीई के साथ क्या क्या करना चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी सक्सेस जर्नी और बीई के, क्योंकि सिविल ब्रांच और कंप्यूटर ब्रांच का कोई आपस में रिलेशन नहीं है, तो पहले तो बीई सिविल ज्वाइन किया तो क्या सोच के किया था, कब माइंड में आया कि मुझे फील्ड चेंज करनी है, इंफोसिस क्यों छोड़ा और किस ढंग से प्रिपरेशन की। ये बहुत आपकी जो सक्सेस स्टोरी है वो काफी हटके है और कहीं ना कहीं जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे अक्सर लोग बीई के बाद एमटेक करना चाहते हैं पर आपने एमटेक की जगह ये एक रास्ता सुना, तो ये सब रीजन क्या थे इसकी, मैं चाहूंगा आप एक डिटेल अपनी जो सक्सेस जर्नी वो बताएं। सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि यू आर द सम टोटल ऑफ योर रिसोर्सेज एंड योर रिलेशनशिप्स। तो जो भी आज मुझे मिला है वो सब मेरे पेरेंट्स की वजह से, आपकी वजह से, और जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया इंटरनली और घर में, जिन्होंने भी मुझे मेरा साथ दिया, मेरा भाई जिसने मुझे बहुत फोर्स किया ये करने के लिए। तो मेरे सक्सेस का सारा क्रेडिट आप सभी को जाता है, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। तो सर, मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी थी, 2019 में मेरी ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो गई थी और मेरा शुरुआत से ही इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में ही था। हालांकि जेईई मेंस में कम स्कोर की वजह से मुझे सिविल इंजीनियरिंग मिली और फिर मैंने ड्रॉप लेने का ज्यादा सोचा नहीं, लेकिन एक होल था मेरे अंदर कि मुझे कंप्यूटर साइंस में कुछ करना है। तो मैंने खुद से प्रोग्रामिंग और वेब डेवलपमेंट सेकेंड ईयर से सीखी, काफी कुछ किया उसमें, और फोर्थ ईयर आते आते मुझे फ्रीलांस जॉब भी मिल गई थी काफी सारी। और उसके बाद जब खत्म हुआ तो मुझे प्लेसमेंट में इंफोसिस और टीसीएस दोनों के ही ऑफर आ गए थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो चीज इंफोसिस और टीसीएस में टाइम वेस्टिंग होती है स्टार्टिंग के 6 मंथ, वो मैंने जब ऑलरेडी किया है तो उस पर वापिस क्यों करूं। और फिर जॉब भी इतनी अच्छी नहीं थी वहां की और मुझे आगे रिसर्च फील्ड में ही जाना था कंप्यूटर साइंस में, तो उसके लिए अल्टरनेटिव नहीं है सिविल इंजीनियरिंग वालों के पास कंप्यूटर साइंस की फील्ड में एमटेक करने के लिए अल्टरनेटिव नहीं है बजाय गेट देने के, और गेट काफी हार्ड टफ एग्जाम है। तो फिर मैंने सोचा कि बेस्ट यही रहेगा कि मैं एक एमसीए कोर्स कर लूं, जो कि एक इंडस्ट्री बेस्ड कोर्स होता है, उसमें मुझे इंटर्नशिप का ही मौका मिलेगा और काफी स्ट्रांग बन जाएगी मेरी पोर्टफोलियो। तो फिर 2019 में मैंने एमसीए के बारे में आपके द्वारा ढूंढ के निकाला यूट्यूब से और काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली मुझे, और मैंने खुद से ही नवंबर 2019 में एमसीए की तैयारी चालू कर दी थी। आरडी शर्मा वगैरह बुक्स खरीद के ले आया था और खुद से कर रहा था, लेकिन वो रिदम नहीं बन पा रहा था और काफी टाइम लग रहा था। तो जब फेब्रुअरी में मैंने आपका नोटिफिकेशन देखा महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम का, तो मुझे लगा कि नहीं, जब सर बोल रहे हैं कि टाइम टेबल खुद से बना के दे रहे हैं और गाइडेंस भी दे रहे हैं, तो सर की अगर डायरेक्ट अगर एक्सेस मिल जाए सर जो पढ़ाते हैं वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तब मैंने जब आपकी कोर्स ज्वाइन करी फेब्रुअरी में, तो एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज ये मिला मुझे कि विद इन 3 to 4 months मेरा मैथ्स इतना स्ट्रांग हो गया था कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था कि निमसेट में कहीं ना कोई तो रैंक निकल ही जाएगी, नहीं तो मैं तो जेएनयू जाने की फिराक में था, क्योंकि जेएनयू सबसे सिंपल एग्जाम होती है, मैंने सोचा उसी में लग जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। लेकिन जब आपके द्वारा मैंने पढ़ाई करी तो 3 to 4 months में मेरा मैथ्स इतना ज्यादा मुझे मैथ में कॉन्फिडेंस आया कि मुझे लगा कि नहीं, एनआईटी भोपाल तो मेरे को मिल ही जाएगा। और उसके बाद ये भी एक प्लस पॉइंट था इसमें कि जो आपने पढ़ाया और प्रतीक सर ने जो पढ़ाया मुझे, उसमें मुझे इतना ज्यादा बूस्ट मिला कि मैं खुद से जब पढ़ता था तो मुझे टाइम बहुत कम लगता था कॉन्सेप्ट समझने में,
इतनी सारी ट्रिक्स हो गई थी, कॉन्सेप्ट हो गए थे, पेपर हो गए थे, इतना डिस्कशन हो गया था, तो ये सारी चीज मिला के मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस हुआ कि नहीं, इस बार तो NIT त्रिची ही जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं जा रहा है। बिल्कुल सही। मतलब मैंने स्टार्ट किया था बिल्कुल जीरो से, मेरा मैथ बिल्कुल कमजोर था, मैं मैथ में स्कूल में अच्छा था लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा होगा। लेकिन जब आपसे पढ़ाई करी तो सर आपकी, आपको थैंक यू बोलूंगा कि आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो डर था वो मेरे मन से बिल्कुल हटा दिया। अब मुझे बिल्कुल भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से डर नहीं लगता, खास करके मैथ वाले एग्जाम से, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट अभी भी काफी स्ट्रांग है। 2 महीने लगभग हो गए हैं, सारी एग्जाम खत्म हुए, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट आज भी स्ट्रांग है, और शायद आने वाले टाइम में मैं और भी एग्जाम निकालू, सिर्फ आपको उस चीज का क्रेडिट जाता है। तो सर थैंक यू उसके लिए। वेरी गुड अमृत, आपने बहुत अच्छी बात बोली। और एक और बात बोलूंगा, कई बच्चे देखिए अमृत से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ सेल्फ स्टडी में नुकसान नहीं है, पर कई बार जो चीज आप 6 दिन में कर रहे हो वो एक प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू हम 6 घंटे में भी सीख सकते हैं। दूसरा, आपने एक बात और नोटिस की कि अमृत ने बहुत लेट स्टार्ट किया, मतलब लास्ट ईयर के नवंबर में प्लान किया, फरवरी तक धीरे धीरे प्रिपरेशन चल रही थी, फिर ऑनलाइन कोर्स से जुड़ा, और आप देखिए 4 महीने में अपने पूरे सिलेबस को कवर किया प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से, और एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस आ गया अपने अंदर की, नहीं कर सकता। और ये एक 129 रैंक अपने आप में एक बताती एक बात। और आपने एक और अच्छी बात बोली कि जिस सब्जेक्ट से आप हमेशा बचते आए हुए मैथ से, आज आपको मैथ्स में ही कॉन्फिडेंस आ गया। मेरा हमेशा मानना है जो चीज से हम डरते हैं अगर उसको हमने ताकत बना ली तो कोई हमें जीवन में हरा नहीं सकता, और वो आपने एक काम कर दिखाया, ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा आपकी महाराष्ट्र CET में भी 50 रैंक है। हाँ, तो एक और बात बताऊंगा कि अमृत की महाराष्ट्र CET में भी 15 रैंक है, पर क्योंकि NIT में ऑलरेडी इतना अच्छा कॉलेज अलॉट हो चुका है तो आप कोई और जाने की जरूरत नहीं है। पर अमृत ने देखिए TCS छोड़ा, इंफोसिस छोड़ा, क्लियर कट जॉब था और बिल्कुल विजन क्लियर था कि मुझे रिसर्च में जाना है, किसी अच्छे कॉलेज से करना है और एक्सपोजर ज्यादा मिले, ये सब चीजें क्लियर थी। तो ये बहुत बड़ी चीज है अमृत। अच्छा, जब आपने बी के बाद ये MCA की लाइन चुनी तो आपके साथ वाले लोगों ने या काफी लोगों ने इस चीज के लिए आपको बोला होगा ये क्या कर रहे हो या क्या है, तो वो सब सिचुएशन को कैसे फेस किया? सर जब मैंने चालू किया था तो बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है कि MCA की फील्ड क्या होती है, तो उनको समझाने में काफी टाइम चले जाता था, और उनको पता भी नहीं है कि MCA होता क्या है, इसमें करते क्या है, बनते क्या है। मेरे खुद के पेरेंट्स को नहीं पता था MCA क्या होता है। मैंने उनको बताया कि जो अपॉर्चुनिटी मुझे अपने इंजीनियरिंग में नहीं मिली, जो मुझे कंप्यूटर साइंस पढ़ना था, वो अब मिलेगी इसके थ्रू। बस मैंने इतने सिंपल टर्म्स में उन्हें सिखाया, और बात बाकी काफी मेरे दोस्त थे जिन्हें समझ नहीं आती थी और वो लोग थोड़ा डिमोटिवेट करते थे, उनकी बात मैंने सुनी भी नहीं। मुझे पता था मुझे क्या करना है, मुझे पता था कि शरद सर मेरे को ये बता रहे हैं तो अच्छी बात होगी, और काफी डिस्कशन भी नेट पे चल रहा है, सब कुछ सही है। फिर मैंने सोचा कि जब मेरी मन की चीज है तो फिर मैं दूसरों की क्यों सुनूं, और अच्छी हाँ बोलिए आप, तो और इतनी अच्छी फील्ड भी है, इतने अच्छे कॉलेज भी हैं, तो फिर क्यों छोड़ो उस चीज को। बिल्कुल सही बात है अमृत। एक्चुअल में क्या होता है कि कई बार बच्चों का सपना होता है कि JEE मेंस के थ्रू NIT में जाए, पर वो कई बार 12th के समय पूरा नहीं हो पाता, उसके कई सारे रीजन। नंबर 1, बहुत हाई कंपटीशन। नंबर 2, कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 3 सब्जेक्ट पढ़ना, कई बार एक आध सब्जेक्ट भी वीक होता तो हमें NIT नहीं मिल पाता। पर उन बच्चों को जिनका सपना NIT जाना था, उनके लिए एक दूसरी लूप लाइन है, और मैंने खुद ये अनुभव किया कि बहुत कम लोगों को ये बात पता होती है। मतलब जब हमने आज से 4 साल पहले इम्पिटस ने ही पहल की थी वीडियो डाल के निमसेट की, उसके पहले तक तो बच्चों को आइडिया भी नहीं था, और इवन आज भी ये दिक्कतें हैं कि बहुत कम बच्चों को ये पता है कि निमसेट जैसा एग्जाम होता है। इनफैक्ट अब जरूर अवेयरनेस बढ़ने लगी है ये मीडिया वगैरह के वजह से, थोड़ा सा ये फर्क पड़ गया यूट्यूब प्लेटफॉर्म से, तो अब बी वाले बच्चे भी काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ये MTech की जगह, क्योंकि MTech का मतलब होता है या तो IIT या NIT, प्राइवेट कॉलेज से MTech करने का कोई मतलब नहीं। अब उनको एक चीज समझ में आई कि MCA भी एक अच्छा रास्ता हो सकता है, और उसमें निमसेट एक बहुत अच्छा की फैक्टर है जिसके थ्रू हम वहीं जा सकते हैं जो हम 12th के बाद BE के थ्रू जा रहे थे, सीधा PG डिग्री मिलती है, और आने वाले समय में तो हमने वैसे भी देख NIT से 2 साल का MCA हो जाएगा, तो ये MTech और MCA दोनों के जब ड्यूरेशन सेम हो जाएंगे तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। यस सर, और मैं सर उन सभी BTech स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ जो आजकल करियर स्विच करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते, उनको डायरेक्ट मार्केट में एंटर करना पड़ता है करियर स्विच करने के लिए, कि अगर वो चाहते हैं कि उनकी कोई कोर ब्रांच थी जैसे मैकेनिकल या सिविल, और वो चाहते हैं कि वो कंप्यूटर साइंस में एक सॉलिड बेस लेके, सॉलिड फाउंडेशन लेके घुसे ताकि उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो,
तो उनको यही बोलूंगा कि आप लोग एमसीए में जाएं, क्योंकि एमसीए का पूरा जो सिलेबस रहता है इट इज लाइक ये 4 ईयर इक्विवेलेंट ऑफ बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, और इसमें अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है क्योंकि इसमें एनआईटीज काफी सारे और कॉम्पिटिशन फिलहाल कम है। तो मैं उनको यही बोलूंगा। यस बिल्कुल सही बात है अमृत। और देखिए अगर हम जैसे भी देखें तो आज बी सिविल हो चाहे बी मैकेनिकल हो, मतलब बी किसी भी ब्रांच का बच्चा हो, बी पेट्रोलियम हो, आप देखो मैक्सिमम प्लेसमेंट, इनफैक्ट आपका भी प्लेसमेंट जो हुआ वो टीसीएस और इंफोसिस में हुआ सॉफ्टवेयर कंपनी में, यानी 60-70% प्लेसमेंट जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर फील्ड में हो रहे हैं। तो ऐसे में बी वाले बच्चों का भले ही कोर ब्रांच कुछ और है, और अगर उनको कंप्यूटर में एक करियर बनाना तो एक एमसीए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये बात आपने काफी अच्छी बोली। और मैं अमृत एक चीज और चाहूंगा कि क्योंकि आपके लाइफ के ये चैलेंज है, मतलब ये बहुत बड़ा होता है एकदम सिविल से स्विच करके कंप्यूटर में आना, और एक साल का प्रॉपर आपने ड्रॉप भी लिया उसके लिए और अब आप करने जाओगे, तो आपका क्या मैसेज है उन लोगों के लिए जो बहुत जल्दी कंप्रोमाइज कर लेते हैं? सर मैं यही बोलूंगा कि थोड़ा सा पेन होता है, थोड़ी सी तकलीफ होती है ये मानने में कि जो हम चीज चेंजेस लाने वाले हैं अपने जीवन में वो थोड़ा हो सकता है कि रिस्की हो, थोड़ा हो सकता है कि इसमें फेल हो जाएं आप। लेकिन मैं उन सबको यही बोलना चाहता हूँ कि सर की बात पे विश्वास करें और अच्छी बात सुने, अच्छी बात समझे, क्योंकि कई बार जब आपको अपने ऊपर फेथ नहीं होता है तब आप जो है जो सबसे इजीएस्ट चीज है वो आप लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन उसी वक्त आपकी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छूट जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो खुद पे फेथ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और नेक्स्ट है कि आप अपने टीचर्स और पेरेंट्स पे फेथ करें। एक इसी पे एक छोटी सी स्टोरी है कि जब आखिरी टाइम हो गया था, ऑनलाइन में पढ़ रहा था और आखिरी टाइम पहुंच गए थे, लगभग 1 महीने बचे थे 40 डेज के आसपास। तो अब सर ने आपने मुझे बोला था ऑनलाइन में, शायद ज्यादा बच्चों ने ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन आपने सबको बोला था कि आपको इस बार टॉप करना है, आपको इस बार मैथ में 600 में 500 आपने लिख के बताया था, 600 में 500, LR में 180, और ये मतलब बिल्कुल अनथिंकेबल अनइमेजिनेबल, कोई सोच भी नहीं सकता एवरेज बच्चा कि मैं 600 और 500 लाऊंगा। लेकिन मैंने क्या किया, उसको मान लिया कि नहीं मेरे को लाना ही है 600 और 500 लाना ही है, जबकि मेरी स्थिति जो टेस्ट होते थे उसमें 500 से आज तक मेरे ज्यादा कभी आए नहीं टेस्ट में, और मैंने मान लिया कि नहीं मुझे लाना है, सर ने बोला है टॉप करना है तो टॉप करना है, मैं तो 93 जाके ही मानूंगा। तो इस तरह का जो विश्वास होता है, फेथ होता है अपने टीचर्स पे, जब आप रखोगे तो आपका रिजल्ट बिल्कुल आएगा। और अपने ऊपर फेथ रखना है, अपने भगवान पे ईश्वर पे फेथ रखना है कि सब कुछ ठीक होगा, और बस अपना काम रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। बिल्कुल सही बात है अमृत। और देखो अभी आप सौरभ सर से सी की क्लास मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो, मेरे आज ढेरों स्टूडेंट हैं बिल्कुल यही बात बोलते हैं, आपने सौरभ से भी सुना होगा हमेशा, वो मुझसे जब उसकी भी ऑल इंडिया 5th रैंक थी, मेरा स्टूडेंट है सौरभ, तो वो मुझे एक ही बात बोलता है, सर आप जो बोलोगे बस मैं वो करूंगा, और अगर आप बोल रहे हो तो हो जाएगा, मतलब होता होगा इसीलिए बोल रहे होगे। यही चीज मैं हर बच्चे को बोलता हूँ, सबसे पहले बिलीव मान लो, अगर मैंने बोला है या आप, क्योंकि कोई अगर और कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं, और वो देखो वो बिलीव सिस्टम कितना काम आया। तो कभी कभी हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, पर अगर हम बिलीव करते हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। तो अमृत आपके इस रिजल्ट के लिए बहुत सारी बधाई, और एक आप आइडियल एग्जांपल हो कि आपने लाइफ में कंप्रोमाइज ना करके इवन इतने अच्छे जॉब आने के बाद, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे जॉब्स को छोड़ने से पहले बहुत सोचते हैं, पर आपने उन जॉब के बारे में ना सोच के अपने करियर और लॉन्ग टर्म को सोचा, ये लॉन्ग टर्म विजन बहुत काम का होता है। आपने भले ही आज उस समय कंप्रोमाइज किया, पर आपको आप पता नहीं आने वाले दिनों में आप समझ पाओगे कि आप 10 से 20 साल आगे बढ़ गए अगर आप उस जॉब को लेते, और अब आप जो जॉब करने जाओगे 3 साल बाद, इसमें आप देखिएगा कि कम से कम 10 ईयर का गैप आएगा। तो बहुत सारी ढेर सारी फिर से शुभकामनाएं आपको, आपके पेरेंट्स को, ऐसे जीवन में आगे बढ़ो, और आप एक अच्छे मोटिवेटर के रूप में भी काम आओ। केवल जीवन में हमें आगे नहीं बढ़ना है, हमें उन लोगों को भी गाइड करना है जो मिसगाइडेड है, क्योंकि आज बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मिसगाइड हो जाते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा लगा अमृत बात करके, और बहुत सारी अच्छी बातें बताई। अब हम लोग अभी क्योंकि ड्यू टू कोविड अवार्ड सेरेमनी थोड़ा दिनों में रखेंगे, तो उसकी भी तैयारी रखो आप, और फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।